इस होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने आए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिस समाज ने हमें जन्म दिया उसके प्रति हम भी कुछ कर सके तो यह बहुत बड़ी बात होगी। हमारे समाज में जब कभी विसंगतियां मिलती है तो मन बहुत दुखी होता है। अगर हमारे समाज में यह कुरीतियां जैसे नशा, गुटखा, तंबाकू आदि ना होती तो हम और बलशाली हो सकते थे। किस प्रकार के आयोजन से हमें समाज की प्रगति करने में मदद मिलेगी? शुभ 24 चैनल द्वारा शिक्षा के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आज के माहौल में शिक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए हमारे बच्चे और बच्चियों को एक प्रॉपर वातावरण दिया जाए। जब हम यहाँ पे महाकुंभ की तैयारियों के बारे में जब बात कर रहे थे तो अभी यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या तैयारियों का, जो महाकुंभ की तैयारी है उसका क्या क्या चीज़ें हैं। आज एक डॉक्टर होने के नाते नहीं, एक जाट होने के नाते आप ये बताइए कि महाकुंभ में आपका योगदान और तैयारियों में क्या। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिस समाज में जन्म लिया उसके प्रति यदि कुछ भी कर सकें तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। और हमारे समाज के अंदर बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ, हेल्थ वाइज, चाहे वो नशे के वाइज या और दूसरी जो विसंगतियाँ हैं, वो जब मिलती हैं तो मन कई बार दुखी होता है। सोचते हैं कि यार अपन सबको कर रहे हैं, कम से कम कोई, काश कोई ऐसा होता है कि बीड़ी, गुटखा और दारू नहीं पीता तो शायद हम और बलिष्ठ और सशक्त होते, हम अच्छा काम कर सकते। इसी तरह से और भी कई तरह की कुरीतियाँ हैं और एक तरह से सामाजिक मंथन के लिए जो ये महाकुंभ का आयोजन किया है, मेरे ख्याल से ये इस समय की महती आवश्यकता है जिसके अंदर ये करना चाहिए। और इसके अंदर जो ब्रेन स्टोर्मिंग सेशंस होंगे उसका जो फलीभूत होती चीज आएगी, मेरा सोचना ही नहीं बल्कि पक्का विश्वास है कि इसको, इससे समाज के अंदर आगे प्रगति करने के अंदर जाट समाज का एक सबसे बड़ा जो प्रबल रहा है वो रही है शिक्षा। और अगर मैं वीरेंद्र सिंह जी के बारे में बात करूं तो राजस्थान के सबसे मुख्य जो अधिकारी ये रहे हैं वो इनकी शिक्षा की वजह से रहा। तो आप और क्या शिक्षा के बारे में या यहाँ की तरक्की के बारे में जाटों समाज को समझाना चाहिए? शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आज भी प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां समाज की बच्चियों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती। प्रॉपर का मतलब मेरा ये है कि जो उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल के लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता, वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही या तो अपनी शिक्षा ख़त्म कर देता है या शादियां हो जाती हैं। जैसे कई बार शादियां भी जल्दी हो जाती हैं कई इलाकों के अंदर, वो उनकी प्रगति के अंदर बैरियर है। तो इस तरह से यदि बच्चों को प्रॉपर वातावरण दिया जाए, यदि उनके पास में संसाधनों की कमी है तो उन संसाधनों को यदि उपलब्ध कराया जाए तो ये बच्चे जो जीवन में आज करने वाले हैं उससे दो गुना ज़्यादा अच्छा वो कर सकें, यही अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि आप इस पूरे जाट महाकुंभ में संभाल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितने लोग आएंगे? देखिए, कितने आएंगे ये समय एंड वक्त बताएगा, लेकिन आज जिस प्रकार से जोश है हर आम व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव सोच के साथ कि भाई हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो एक तरह से अभूतपूर्व है। तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे अच्छी संख्या में लोग आएंगे, पर जो आएंगे वो सीख के जाएंगे, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी।